हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीवर। आज मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कैक्टस प्लांट लगभग मैंने एक मंथ पहले ग्रो किया था, तो इसे मुझे किसी को देना था, तो मैंने सोचा कि इसका अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही कॉमन प्लांट है। जो मून कैक्टस वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इसी प्लांट पर ग्राफ्ट किए जाते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिना केयर के ये कैक्टस प्लांट मेरे गार्डन में ग्रो होता रहता है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। फिलहाल मेरा प्लांट इतना पुराना नहीं हुआ है कि इस पर फ्लावर आए, तो देख सकते हैं काफ़ी सारी रूट आ चुकी है। मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें दे देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा एक फिशबोन कैक्टस है और इसमें भी इस तरह के काफ़ी सारे बेबीज आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर इनके फ्लावर होते हैं, येलो कलर के फ्लावर आते हैं। मैंने इसे 50 रुपीज़ में परचेज़ किया था, लेकिन अब इसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है। इस तरह का प्लांट अगर आप लेंगे तो 100 रुपीज़ से अब फ़िलहाल ये कम में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इनके बेबी प्लांट को हटाकर अच्छी विल्डन सॉइल में थोड़ा सा दबा दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये दो कैक्टस प्लांट मैंने उन्हें दिए थे। इसके अलावा ये मदर ऑफ 1000 काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे ये प्लांट मिला था और 30 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था। तो देख सकते हैं इनके जो पत्ते टूटकर गिरते हैं वो ज़मीन पर खुद ब खुद गिर जाते हैं और काफ़ी सारे प्लांट बन जाते हैं। तो मेरे गार्डन में इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे प्लांट अब ग्रो होने भी लगे हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक से काफ़ी सारे हो जाते हैं। इसमें भी मैंने एक पत्ता तोड़कर फेंका था, तो देख सकते हैं पत्ता तो गल गया है लेकिन जो बेबीज़ थे वो सभी अब ग्रो होने लगे हैं। और ये एक और कैक्टस का प्लांट है, इसे नागफनी कहते हैं। काफ़ी सालों पहले मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड किया था लेकिन अभी तक इसमें ब्लूमिंग नहीं हुई है। अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो बहुत ही आसानी से, चाहे ये नागफनी का प्लांट हो या फिर बनी ईयर कैक्टस हो, दोनों को इस तरह से हार्वेस्ट करके बस मिट्टी में दबा दीजिए, थोड़ा पानी डालिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। वैसे बनी ईयर कैक्टस भी मेरे पास है, मैंने भी उसे 70 रुपीज़ में दो प्लांट ख़रीदे थे, एक ही पॉली बैग में दो प्लांट लगे हुए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ सब्जियां भी ग्रो कर लेता हूँ। कुछ ही दिन पहले मैं सीड लेकर आया था लेकिन मैं अभी ग्रो नहीं कर रहा था क्योंकि लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं डेली टालता जा रहा था। तो आज मैं सुबह ही उठा था, करीबन ये 8:30 बजे मैं ये काम कर रहा हूँ। और इस तरह के कंटेनर मेरे पास 6 से 7 हैं और सभी में इस तरह के फालतू के प्लांट लगे हुए हैं। जैसे ये तो वैसे मॉर्निंग ग्लोरी है, खुद ब खुद ग्रो हो गए थे लेकिन काफ़ी सारे कंटेनर में हो गए हैं, तो इन्हें मैंने फ़िलहाल के लिए उखाड़ के फेंक दिया है। और इसमें ये अंगूर का प्लांट लगा था, काफ़ी सालों तक तो ये ग्रो होता रहा लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी जिसके कारण मेरा ये अंगूर का प्लांट सूख गया था, तो इसे भी मैंने उखाड़ कर फेंक दिया है। फ़िलहाल अब मैं जाऊंगा नर्सरी, तो 2-3 फ्रूट प्लांट और नर्सरी से परचेज़ करके लाऊंगा। तो फ़िलहाल मैंने इस कंटेनर को इस तरह से खाली करके गुड़ाई अच्छे से कर दिया है और ये काउडंग कंपोस्ट मैं कुछ ही दिन पहले लेकर आया था, जान पहचान में थे तो उन्होंने 2 बोरी फ़िलहाल दे दिया था और काफ़ी अच्छा था। लेकिन वही है कि उस कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, फ़िलहाल एक ही दिन बारिश हुई लेकिन उसी में ये गीला हो गया था, तो आपको थोड़ा सा ही गीला लग रहा होगा लेकिन ये अच्छे से डिकम्पोज हुआ है। और इसमें मैं केवल वेजिटेबल प्लांट ही ग्रो करने वाला हूँ, तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो मैंने केवल इसमें काउडंग कंपोस्ट ही मिक्स किया है, इसके अलावा गार्डन सॉइल है और कुछ भी मिक्स नहीं किया है। और काउडंग कंपोस्ट को अच्छे से कंटेनर में मिक्स कर लिया है और ये सीड मैं 2-3 दिन पहले ही लेकर आया था। दो ही तरह की मैं सब्जियाँ ग्रो कर रहा हूँ, ये है करेले, ये लंबी वैरायटी के जो करेले होते हैं वो हैं, और ज़्यादा मैंने देखा नहीं आया था, 10 रुपीज़ में ही मैंने ख़रीदा था क्योंकि बीज ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, नेक्स्ट सीज़न में ये ग्रो भी नहीं होते हैं कई बार, तो 10 रुपये का ही लेकर आइए। लोकल सीड शॉप पर 10 रुपये में मिल जाएगा, 10 रुपये में लग करीबन 10 के करीबन सीड दे देते हैं, तो इतने बहुत है। 2 कंटेनर में मुझे ग्रो करना है और ग्रो करना होगा दूसरी वैरायटी का, तो बाज़ार से जो करेले आते हैं वो ही पीले हो जाते हैं कई बार, तो उनसे भी सीड निकाल कर ग्रो कर सकते हैं। और ये एक और मेरा कंटेनर, इसमें भी देख सकते हैं पर्सलिन
ग्रो हो गया है, सीड खुद ब खुद गिर जाते हैं तो इस तरह के प्लांट निकल आते हैं। लेकिन कंटेनर मुझे खाली करना था तो मैं इन सभी को फ़िलहाल यहाँ से हटा दे रहा हूँ और किसी दूसरे कंटेनर में ग्रो कर लूँगा। और हाँ, इस कंटेनर में बहुत सारे बल्बस प्लांट भी मैं समय समय पर ग्रो करता रहा हूँ। और देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, यह अपराजिता और साइप्रस वाइन, इस तरह के प्लांट भी इस कंटेनर में ग्रो हो गए हैं। और ये हिबिस्कस की कटिंग भी मैंने ग्रो किया था, ग्रो तो हो गया था लेकिन वही है कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ था तो सब ख़राब हो गए हैं। और काफ़ी सारे, आपको देखने पर ही पता चला होगा कि काफ़ी सारे रेन लिलीज हैं। और ये मुझे एक सरप्राइज़ मिला, मुझे लगा था कि ये गल गया है लेकिन देख सकते हैं ये भी सर्वाइव कर रहा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये हल्दी का प्लांट है, लास्ट ईयर ही मैंने इसे पहली बार अपने गार्डन में ऐड किया था। मुझे लगा था कि ये गल गया होगा लेकिन अभी जब मैंने इसकी गुड़ाई करना शुरू किया तो देखा कि ये अभी है। और ये मैं दोबारा उन्हीं से मांगा था तो देख सकते हैं ये भी मैं इसी कंटेनर में ग्रो करूँगा और ये भी। तो हो सकेगा तो नेक्स्ट सीज़न में इसके काफ़ी सारे प्लांट मेरे गार्डन में हो जाएंगे और मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। तो जब मैंने इस कंटेनर को खाली किया तो देख सकते हैं बहुत सारे बल्बस प्लांट मुझे मिले, बहुत सारे बल्ब मुझे मिले। और ये रेन लिली के हैं, काफ़ी सारे रेन लिली के भी बल्ब मिले हैं। ये वाइट और येलो कलर में आई थिंक हैं ये सभी, तो जब ब्लूमिंग होगी तो ही पता चल पाएगा। और देख सकते हैं ये एक बल्ब गल गया था। तो बल्बस प्लांट की खास बात यही होती है कि ये ग्रो तो अच्छे से हो जाते हैं, डिवाइड भी अच्छे से होते हैं लेकिन कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से गल भी जाते हैं। तो इसकी मिट्टी हमेशा ही आप अच्छी बनाया कीजिए। और ये रेन लिली हो चाहे स्पाइडर लिली हो, ये प्लांट अगर आपके पास ना हो तो आप इस टाइम नर्सरी से परचेज़ करके भी ला सकते हैं। 30 से 40 रुपीज़ में एक बल्ब तो बहुत ही आसानी से मिल ही जाता है। और ना मिल रहा हो तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे ही साइट हैं या फिर व्हाट्सएप पर कुछ लोग सेल करते हैं बहुत ही सस्ते में। और ये है बीन्स लोबिया, इसके भी मैं सीड 10 रुपीज़ में ही परचेज़ करके लाया था और इसके तो मुझे काफ़ी सारे सीड मिल गए थे। ये सीड उन्होंने आई थिंक 10 रुपये में 10 ग्राम दिया था और करेले के बीज तो गिनकर ही 10 या 12 दिए थे क्योंकि जानने में थे, तो एक दो सीड उन्होंने एक्स्ट्रा भी दे दिया था। तो आप भी इन सीड को परचेस करके ला सकते हैं। वैसे तो जितना मिनिमम हो सके, जितनी आपको सीड ग्रो करने हो उतने ही लेकर आइएगा, क्योंकि मैंने कई बार ग्रो किया है, नेक्स्ट एक सीज़न के जो सीड होते हैं वो दूसरे सीज़न में कई बार नहीं ग्रो हो पाते हैं। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कॉस्कॉम, तो काफ़ी सारे सीड इस इधर उधर मैं फेंकता रहता हूँ तो देख सकते हैं इसमें कॉस्कॉम के काफ़ी सारे प्लांट निकल आए। वैसे तो पता नहीं चला था लेकिन इस पर देख सकते हैं उस सीड का जो खोल होता है वो चिपका हुआ है, जिससे मुझे पता चल गया था कि ये कॉस्कॉम का है। कॉस्कॉम बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये तो हमेशा से ही मेरे गार्डन में खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। तो ये एक और बोरी रखा हुआ था तो इसमें भी मैंने लोबिया की कुछ सीड डाल दी हैं। वैसे अगर आपके पास कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर ना हो, जैसे कि टब में मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप इस तरह की बोरियों में भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप लोबिया, कद्दू, तोरई और करेले, इसके अलावा भिंडी और कुर्थी, इस तरह की सब्जियाँ भी आप ग्रो कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने ग्रो किया था लेकिन इस साल मेरा कोई प्लान नहीं है सब्जी ग्रो करने का। तो ये दो तीन तरह की सब्जियां जैसे कि लोबिया हो गया और करेले हो गए, कद्दू, लौकी और तोरई, ये तीन तो मैंने ज़मीन में ग्रो किया है और बाकी दो तरीके की मैंने कंटेनर में ग्रो किया है। और देख सकते हैं इतने ही काम में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो इससे मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि बारिश कब स्टार्ट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और छत पर है तो कचरा फंसेगा अगर मैं नहीं साफ़ करूँगा। और साफ़ करते वक्त मुझे ये एक और प्लांट देखने को मिला, ये धतूरे का प्लांट है और इस पॉलीबैग में खुद ब खुद ये निकल आया था तो मैंने अभी हटाया, तो देख सकते काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई थी और सीड पॉलीबैग से निकल कर बाहर आने लगा था। तो मैं फ़िलहाल इसे इस तरह से कंटेनर में रख दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि इसके भी फ्लावर सुंदर लगते हैं। किस कलर में आएगा ये तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं बता सकता हूँ,
और ये रेन लिली जो मुझे मिला है वो मैं फ़िलहाल इस कंटेनर में ग्रो कर रहा हूँ जितने ग्रो हो पाएंगे, नहीं तो बाद में मैं जितने बचेंगे उन सभी को मैं दोबारा से वो जो टब थे उसमें एक एक दो दो लगा दूंगा ताकि ये नेक्स्ट सीज़न तक काफ़ी सारे हो जाएं। क्योंकि अभी तो मैं इनमें सब्जियां ग्रो कर रहा हूँ, जब विंटर आएगा तो मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट ही ग्रो करूँगा, क्योंकि विंटर में मैं सब्जियाँ उतनी नहीं ग्रो करता हूँ, दो तीन टमाटर के प्लांट और चौराई पालक बस इस तरह की सब्जियाँ, सरसों इस तरह की सब्जियाँ ही ग्रो करता हूँ, पत्तेदार सब्जियाँ। तो ये उन्हीं कंटेनर में ग्रो होते रहेंगे, थोड़े बहुत विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी टब में लगा देता हूँ। तो इस तरह के टब खरीदने का यही फ़ायदा होता है कि आप उनमें फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर फ्रूट प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट, कोई भी प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और टब का प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं होता है, मुझे तो ये 105 रुपीज़ में मिले थे, 105 रुपीज़ में पर पीस के हिसाब से मिले थे लगभग 2 साल पहले। और जो अभी मैंने पर्सलिन और पोर्चुलाका निकाले थे कंटेनर में उन्हें भी मैं इस तरह की बोतलों में ग्रो कर ले रहा हूँ, और काउडंग कंपोस्ट और गार्डन सॉइल दोनों को मिक्स करके ही मैं ग्रो कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी फ़िलहाल मिक्स नहीं किया है। इतने में ही ये प्लांट बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करता है, और बाद में मैं इसमें DAP डाल दूँगा अगर ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे तो। इसके अलावा अगर आपके पर्सलिन और पोर्चुलाका ब्लूमिंग नहीं करे तो आप उसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो जितने में रूट आई हुई हैं रूट के साथ बाहर निकल आए थे उन्हें मैं इसी कंटेनर में लगा दूंगा, और जिनमें रूट नहीं आई है और उन्हें मैं किसी दूसरे कंटेनर में लगा दूंगा, फेंकूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे गार्डन में ये हैं तो बहुत, लेकिन कंटेनर भी काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। जो बड़े प्लांट हैं उनके नीचे मैं एक दो लगा दूंगा रेनी सीज़न तक, और रेनी सीज़न के बाद मैं इन्हें हटा दूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।